हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू बाइज एग्जाम प्रेप क्यों वेलकम बैक बोला मैंने बिकॉज जस्ट बिफोर थर्टी मिनट ओनली आई वाज हियर विद द मॉर्निंग सेशन विद द विदोरनून सेशन आंसर की एंड नाउ आई एम हियर विद द आफ्टरनून आफ्टरनून सिविल गेट एग्जामिनेशन आंसर की सो एवरीबडी गेट रेडी अपना अपना पेपर पेन लेके बैठ जाइए एंड नोट डाउन द मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट इन आफ्टरनून सेशन आई नो मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट द एग्जाम ऑफ द आफ्टरनून सेशन वॉज टफ एंड येस इट इज ट्रू ऑल्सो यू कैन से सम हाउ थोड़े से पार्ट के लिए वी कैन से दैट राइट सो लेट्स स्टार्ट द सेशन लेट मी टेल यू द राइट एंड द फाइनल आंसर की फॉर द आफ्टरनून सेशन आई हैव जस्ट वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हिट द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ तो स्टार्ट करते हैं सेशन को भाई ये जो आपका पूरा सेशन होगा मात्र 25 से 30 मिनट होने वाला है जैसे कि मैंने फोर नून सेशन का लिया था इस सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द आफ्टरनून सेशन द फाइनल की ठीक है जो भी आपकी आंसर की है आप लोग प्लीज अपने अपने आंसर मैच करना शुरू कर दीजिए एंड ऑल्सो कॉमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट से बताते जाएंगे वट इज द आंसर दट यू हैव मार्क्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर एंड दिन प्रेजेंटेशन आर एग्जैक्टली सेम एज द मास्टर क्वेश्चन पेपर ऑल राइट गाइज एक बार मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए हु ऑल आर कैन लिसन ियर मी एंड सी मी कौन कौन है जो जरा मुझे एक बार कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिए दे, देख सकता है सुन सकता है एंड देन हम शुरू करेंगे आंसर की को बताना आ रही आवाज आ रही है पूरी आवाज आ रही है भाई ठीक है शेयर करते चलेंगे सारे दोस्तों के साथ सो दैट सब लोग अपने आज मार्क्स जो है वो देख पाए डिटेल्ड एवरीबडी रिमेंबर ऑल दर डिटेल सोल्यूशन प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या ऑप्शन किया है अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर मॉर्क किया था ऑप्शन नंबर ए तो आपका बिल्कुल सही जवाब है वन मार्क यू कैन एड एक नंबर आप जोड़ सकते हैं जनरल आप जुड़गा दूसरा क्वेश्चन है एमसी क्यू है आंसर इसका होगा आपका अगेन ए

चौथी बॉल जैसे ही उठाओगे एज सुन एज यू विल पिक द फोर्थ बॉल इट हैज टू बी अ रेपिटेशन सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ए विच इज फोर वन मार्क एमसीक्यू मूविंग गॉन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ जनरल एप्टीट्यूड एंड यह सवाल था आपके एमसीक्यू में वन मार्क के लिए एंड द राइट आंसर वॉज दिस ऑप्शन ए आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा व्हाट इज द ऑप्शन दैट यू हैव मार्क्स एंड अपने मार्क्स को जोड़ते जाइएगा फॉर एमसीक्यू देर विल बी नेगेटिव मार्किंग बट फॉर एन एंड एन एम एस क्यू देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर हम बात करें यह सवाल आपको आया था फॉर टू मार्क्स साई बाबू विकास पलाश कैन यू प्लीज टेल मी वॉट इज द आंसर यू हैव मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट आंसर होना चाहिए था ओनली फोर यानी कि ऑप्शन डी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री हस्बैंड वाइफ ये वाला जो क्वेश्चन नंबर वेट एक सेकेंड इसका आई थिंक सिक्सटीन होना चाहिए सिक्सटीन ये yes no? किस किस ने सिक्सटीन किया है बता दो जरा एक बार कॉमेंट बॉक्स में भाई अपने अपने आंसर देख करके मार्क्स जोड़ते रहिएगा इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी हाउ मच मार्क्स यू आर स्कोरिंग इसमें नेगेटिव मार्क्स होंगे इफ यू हैव मार्क्स डॉन्ग एंड कीप शेयरिंग द सेशन विद योर फ्रेंड जो भी दोस्त हो सको शेयर करते रहेना भाई साहब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर एट जनरल एप्टीट्यूड का एमसीक्यू का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट द राइट आंसर इज ऑप्शन बी द मदर्स फीलिंग अबाउट हर डॉटर्स सिंगिंग एट होम वर ओनली ऑफ अनोयस अगला है जनरल एप्टीट्यूड का सवाल ये हमने एनालिसिस में भी आप लोगों को सॉल्व करवाया था दिस इज एमसीक्यू अगेन टू मार्क्स क्वेश्चन नंबर नाइन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी टू बाई थ्री इन दिस क्लास इन दिस सेशन इन दिस वीडियो आई एम ट्राइंग टू गिव यू द फाइनल आंसर की सोल्यूशन द डिटेल सोल्यूशन विल बी गिवेन इन अ पीडीएफ फॉर्मैट ये सेशन सिर्फ इसलिए है सो दैट यू कैन सी विच ऑप्शन इज राइट एंड रॉन्ग फाइनली एंड यू कैन सी हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेनिंग एंड वॉट आर द ऑप्शन एज पर योर मार्क्स दैट यू आर गोइंग टू गेट विद दिस स्कोर कार्ड ओके यहां पे इसलिए मैं सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं ओनली आई एम डिस्कसिंग द आंसर की नेक्स्ट इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड एमसीक्यू अगेन टू मार्क्स एंड द राइट आंसर टू दिस इज क्वेश्चन नंबर इलेवन पे इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स इज एमसीड हियर ऑप्शन ए इज डेफिनेटली राइट इलेवन इज ऑप्शन ए ऑप्शन बी की आई मीन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हैज द मीन ग्रेटर देन द मीडियन एमसीक्यू अगेन अगर सही किया है एक नंबर जोड़ेंगे अगर गलत किया है तो अपना दिख रहा होगा अगला सवाल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगेन एमसीक्यू इफ राइट प्लीज एड वन मार्क्स इफ रॉन्ग प्लीज सब्टन बाई थ्री ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर थर्टीन द राइट आंसर इज थर्टी ऑप्शन बी बेटा ई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू द रेंज इन दिन में क्या रेंज तक आपका आंसर सही है वो भी बता दूंगा अब यह मेरे को बताओ तरफ फटाफट से क्या करके आयो आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल है एमसीक्यू है, है सही किया होगा तो एक नंबर मिला होगा बट गलत किया होगा तो नेगेटिव मिलेगा बताइए सर स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दो स्टेटमेंट दिए गए थे आपको हां जी जवाब दीजिए सवाल का क्विकली लास्ट में प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कितना स्कोर आ रहा है आपका आई मीन मार्क्स कितने आ रहे हैं सौ में से स्कोर तो नहीं पता चलेगा आपको बड़ा सा फॉर्मूला उसका क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑप्शन बी यहां पे बिल्कुल सही है यार अमेजिंग गणेश वेरी गुड डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट यहां पे आपका आया सवाल क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द क्वेश्चन फिफ्टीन आंसर इज ऑप्शन सी अ परसेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ ट्वेंटी मे Strength of material, MCQ, question number 16. Again, one mark. Right answer is reduced to del naught by 2. Muller Brisley question, you must have seen MCQ, one mark, structural analysis. The right answer is everybody. Drawing an influence line diagram for any force response in the structure. Very good, everybody. Those who have got the right answer as Ganesh, superb. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन पे नियोटेक इंजीनियरिंग एमसीक्यू मार्क अगेन अठारवे सवाल का जवाब है ऑप्शन बी दैट इज आई होप इसका सही जवाब आपने मार्क किया होगा इट इज इज अबला आता है बेटा अब सवाल है आपका जियोटेक एमसीक्यू वन मार्क और इसका अबला सर ने फुल पावर के साथ जो जवाब आप लोगों के लिए दिया है नाइनटीन इज ऑप्शन ए के एच बाई के वी अंडर रूट के अंदर

मैं आपको बताता हूं एकदम फटाफट से क्वेश्चन नंबर टेन का सही ऑप्शन क्या है ठीक है अब आया हूं तो पूरा बता के ही जाऊंगा हमने बात करी है क्वेश्चन नंबर टेन की करेक्ट सो क्वेश्चन नंबर टेन का जो राइट right ऑप्शन होना चाहिए दैट शुड बी हमने क्या बोला है सी बोला है ना हाँ तो यार ये वाला जो है यहां पे मैं बताता हूं क्या हुआ है ये इन्होंने उल्टा लिख दिया है ये सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है ओके सर एवरीबॉडी मुकेश थैंक यू सो मच बेटा गिविंग दिस इंफॉर्मेशन अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहां तक बता दिए थे मैंने आई थिंक ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी सेकेंड इज इन द कॉन्टेक्स ऑफ मीन आपका जो uh, क्या कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसके रिगार्डिंग है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ऑप्शन बी इज करेक्ट टाइम स्पेंड बाई द ट्रांसपोर्ट ट्रक इन ट्रेवलिंग बिटवीन पिकअप पॉइंट एट द डिस्पोजल साइड विदेड कंटेनर

ओके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आप लोग मार्क करते जाना अपने आंसर शीट में विच ऑप्शन इज करेक्ट और आपने जो मार्क किया है उसको भी चेक करते रहना साथ के साथ ओके स्ट्रक्चरल एनालिसिस का सवाल है एमएसक्यू है वन मार्क का दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स सो ए बी डी आर द राइट आंसर ए बी डी आर द राइट आंसर ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अगला सवाल है आपके सामने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एमएस का वन मार्क एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी क्लोरीन क्लोराइड क्लोरिन क्लोराडाइड क्लोराडाइन देन वी हैव हाईवे इंजीनियरिंग सभी लोगों ने भटाके से एकदम जवाब दिया होगा इसका रेडियस और नंबर ऑफ लेन आप सबको पता ही है एन एल स्क्वायर बाई टू आर प्लस वी बाई नाइन पॉइंट फाइव रूट आर यहां पर आपको दिखा होगा नंबर ऑफ लेन और आर इसीलिए ए एंड सी आर द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल एन ए टी वन मार्क्स इफ करेक्ट यू विल गेट वन मार्क्स इफ रॉन्ग देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज नाइनटीन पॉइंट नाइन थ्री 19.93 ओके रेंज अगर लोगे तो 19.90 से 19.95 यू कैन एक्सपेक्ट द रेंज आल्सो नेक्स्ट इज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग अगेन एन क्वेश्चन नंबर 32 एंड द आंसर वुड बी एग्जैक्टली थर्टी एट बिकॉज दे हैव टोल्ड यू अप टू इंटीजियर वी हैव टू आंसर क्लोज टू द इंटीजियर

The answer would be option A. All right. Next is engineering mathematics MCQ again uh, two marks, and the right answer to this question is A. One one minus one one transpose. Okay. Yes, twenty thousand was the answer for this question, uh, for that question again engineering mathematics uh, and it is MCQ two marks. Question number thirty eight. Option B is definitely the right answer.

geotech mcq 2 marks the right answer to question number 41 is a sigma v increasing and sigma h is constant geotech again mcq question number 2 given by abhinav negi again i think this uh, yeah 42 question is option c then question number 43 open channel flow and this answer for uh, open channel flow 43 question ए बी सी डी फोर्टी थ्री वुड बी एपन चैनल फ्लो अगेन एंड दिस इज दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन बाई द वे एम सी क्यू था यह और यह दो मार्क्स में पूछा गया था तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इज ऑप्शन ए क्यू क्यू स्क्टी बाय जी ए क्यूब दैट वी डू राइट इसमें बस आपको एक करेक्शन फैक्टर भी दिया था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एमसी क्यू क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव राइट आंसर इज ऑप्शन डी मैच कर लीजिएगा यहां पर आपको मैच करना था फोर वन टू थ्री करके इसकी सिक्वेंसिंग आनी चाहिए सर्विंग क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लूड मैकेनिक्स अगेन थिकनेस ऑफ टर्बुलेंट इज रॉन्ग स्ट्रीम लाइन इज रॉन्ग दिस इज करेक्ट सी एंड डी ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स अगला आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एम एस क्यू और ये है क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट ए सी डी यहां पर सही जवाब है और रिचा मैम ने इसको आपके लिए भेजा है अगला आता है अगेन एनवायरमेंट रिचा मैम की तरफ से फिर इसका जवाब आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द राइट आंसर विल बी बी एंड सी समझ ही नहीं आया विस्तार में पीडीएफ में इसको मैंने समझा दिया है आपको समझ आ जाएगा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग था अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया था ग्रीन शील्ड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में विलॉसिटी डेंसिटी और ट्राफिक वॉल्यूम के रिश्ते के बारे में यह आंसर आप आराम से दे पाए होंगे द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी बी अगला सवाल है हाईवे इंजीनियरिंग का फिर एक बार यहां पे आपसे पूछा गया था जैसे जैसे बिटोमिन का मिक्सचर में मिक्सर का जो कंटेंट है वो बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ तो यहां पे 51 का राइट आंसर था बेटा बी एंड डी फ्लो इंक्रीजेस बिल्कुल सही फ्लो वैल्यू बढ़ता है और वॉइड फिल्स विदोमिन इंक्रीजेस ये सही है ठीक है स्टेबिलिटी पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है एंड एयर वॉइड डिक्रीज होता है नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एन uh, ई है क्वेश्चन नंबर है आपका ये टू मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू राइट देखो ये वाला जो सवाल है वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट ठीक है इसका आंसर जो है पीडीएफ में आपको दिया जाएगा द टीम इज वर्किंग ऑन दिस क्वेश्चन सोल्यूशन आपने क्या मार्क किया है आप वो बता सकते हो लेकिन इसका जो सोल्यूशन है राइट right आंसर के साथ पीडीएफ में डिस्कस किया जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू को अभी के लिए होल्ड में रखा जा रहा है हमारी एंड से डिस्क्रिपेंसी है कुछ कुछ इस वजह से इसको होल्ड में रखा है नहीं तो बाकी तो सारे आंसर दिए हैं अच्छा फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री का जो राइट right आंसर है दैट शुड बी वन नाइनटी सेवन पॉइंट जीरो सिक्स अगला सवाल है स्ट्रक्चरल एनालिसिस दोबारा से दो नंबर का एन आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 54 में राइट आंसर होगा इसका सिक्स फिर डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर अगेन एनएटी एन ए टी बेटा ये डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नंबर 55 300.9 जो है इसका जवाब है 301 301.0 से 301.

द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी एटीन कितना आया था आप लोग का कोई मुझे बताएगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में फिफ्टी सेवन आप लोगों ने क्या मार्क किया फॉर फिफ्टी सेवन स्ट्रक्चरल क्वेश्चन है बेटा ये भी अच्छा फिर आता है जियोटेक का जियोटेक का जो ये सवाल है इसमें आपको एक रेंज मिल सकती है थ्री पॉइंट फोर से थ्री पॉइंट फाइव की इसके बीच में अगर आपका आंसर आया है तो बिल्कुल सही है इसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा 3.4 से 3.5 की रेंज आपके लिए बिल्कुल सॉलिड है एंड इट शुड बी राइट ओके अगला है फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन जियोटेक का फिर से एक बार इसकी जो रेंज रहने चाहिए दैट शुड बी वन फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव से वन फोर्टी सिक्स पॉइंट नाइन सो दैट शुड बी द रेंज दैट शुड बी द रेंज फॉर जियोटेक इंजीनियरिंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन एन ए टी फॉर टू मार्क्स अगर इस रेंज में आपने लिखा है आंसर देन आपके आंसर को कोई गलत नहीं कर सकता अगला सवाल है आपका फ्रॉम जियोटे अगेन द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल फाइव फोर ठीक है फोर पॉइंट फाइव फोर सिक्सटी वन जियोटेक का सवाल है आंसर है इसका इंटीजर ने पूछा है पांच सौ नोट डाउन करते रहिएगा सब लोग और अपने आंसर देखते रहिएगा कितने नंबर बन रहे हैं एंड जो एंड में है वो आप मुझे बताना अगला सवाल था इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का नेट है टूल मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 द राइट right आंसर इज 912.55 बेटा 912.55 ठीक है तो 912.6 से 912. अह 5 या 5 आप कह सकते हो .5 पांच से .7 पांच तक जा सकता है ठीक है वन फोर्टी सेवन कर दिया था किस में बोल रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर क्या है आपका इधर यार वन फोर्टी सेवन थोड़ा सा डाइसी है क्योंकि एक तो इन्होंने बोला है राउंड ऑफ टू वन डेसिमल इसीलिए हम इसको ना पॉइंट नाइन तक रोक रहे हैं पॉइंट फाइव से पॉइंट नाइन तक रोक रहे हैं दैट इज द ओनली रीजन राइट दैट इज द ओनली रीजन ठीक है बाकी नौ सो बारह पॉइंट पचपन इज वॉर्ड वी आर गेटिंग नाइन वन टू पॉइंट फाइव फाइव इस वाले क्वेश्चन का ठीक है अगला सवाल है आपका हाइड्रोलॉजी का इसकी जो रेंज रखी गई है दैट शुड बी 8.5 से 8.6 के बीच में अगर आपका सवाल बनता है तो 8.5 से 8.6 के बीच में इफ यू आर गेटिंग देन इट इज द राइट आंसर ये हमारी तरफ से एक सजेस्टेड रेंज है बाकी एक्चुअल रेंज क्या होगी वो एग्जाम जब आपका चेक होगा तब पता चलेगा ठीक है अच्छा अगला सवाल है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एन है वन पॉइंट एट टू हमारी तरफ से जो जवाब है वो आया है आप भी बता सकते हो आपका क्या आ रहा है इज इट वन पॉइंट एट टू एवरीबडी ठीक है आखिरी सवाल है सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन अगेन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टेन पॉइंट सिक्स एट तो ये थे हमारी तरफ से कुल सिक्सटी थ्री क्वेश्चन की फाइनल आंसर की जो बायजूद एग्जाम प्रेप की तरफ से आ रही है तो आई होप आशा करता हूं आप सब ने अपने मार्क्स जोड़े होंगे एक बार कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहो तो बता भी सकते हैं हाउ मच मार्क्स यू आर गेटिंग कितना स्कोर आप बना रहे हो कितना स्कोर आपका आ रहा है और एक बार वो हो जाए तो आप बता सकते हैं पीडीएफ आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है कह सकते हैं इसी वीडियो के नीचे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर और हमारे जो बाइजूज एग्जाम प्रेप की ऐप है उस पर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा ठीक है

पहली बार अगर आप हमें देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई नेम इज जोशित सिंह मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए यू हैव टू डू टू थिंग्स फॉर मी एज ऑलवेज पहला ध्यान रखेंगे अपना और दूसरा ध्यान रखेंगे अपनी फैमिली का थैंक यू सो मच हैव नाइस डे बेटा मॉर्निंग का लिंक टेलीग्राम पर भी है और मॉर्निंग का लिंक आपको इधर भी मिल जाएगा अपने यूट्यूब चैनल पर बाकी इसके कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा एक सेकेंड मैं डाल देता हूं आपको मॉर्निंग का लिंक चाहिए ना आपको एक सेकेंड रुको फोर नून बोलते हैं ना इसको ठीक है सर ये रहा आपके पास उसका लिंक आप लोग देख सकते हैं आ गया देख लो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा होगा ठीक है चलो बाय बाय हम नाइस डे एनी टाइम ब्रो एनी टाइम